हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष जैन। आज हम इस वीडियो में हम एक और टैग यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड डेफिनेशन लिस्ट। देखिए, डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है, दैट व्हेन वी एक्चुअली वांट टू एक्सप्लेन एनी टर्म इन डिटेल, और ये कहें और से दैट वी वांट टू डिस्क्राइब एनी टर्म इन डिटेल, दैट इज़ कॉल्ड अ डेफिनेशन लिस्ट। सो देखिए हमारा फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट हम ये HTML कोड ओपन करते हैं, टैग देते हैं, देन वी स्टार्ट विद हेड टू गिव अ टाइटल ऑफ द वेब पेज। लेट्स गिव डेफिनेशन लिस्ट एंड देन फर्स्ट क्लोज द टाइटल टैग एंड देन क्लोज हेड टैग। Then body, तो देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डेफिनेशन लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे मान लो कोई एक टर्म है, लाइक सपोज इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन लाइक कंप्यूटर, लाइक वट इज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर वर्ड क्या एक टर्म हो गया, एंड फिर आप उसकी एक्सप्रेशन देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आप उसको एक डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। पहले मान लीजिए हमने इसको एक टैग दी, दैट इज डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, तो DL टैग हमने ओपन किया। अब हम लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, अब लिस्ट में हमारी जो फर्स्ट टर्म है, टर्म क्या, दैट इज यहाँ पर डेफिनेशन टर्म, DT स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन टर्म, ठीक है। जैसे मान लो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो लाइक HTML ये लिख दिया आपने, इसके बाद आप इसको क्लोज कर दो, सॉरी DT को क्लोज कर दो, एंड देन अब आपको इसकी एक्सप्रेशन देनी है, तो आप एक और टैग ओपन करो, दैट इज DD, दैट इज डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे, जैसे देखो यहाँ पे लिख सकते हो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज is a specialized programming language which is basically designed to display and access web pages। अब आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन करने के बाद आप DD को क्लोज कर दो, ठीक है। तो पहले देखिए आपने एक DD टर्म दिया, यानी कि डेफिनेशन टर्म दिया, दैट इज HTML, एंड देन यू हैव एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब उसके बाद मान लीजिए आप कोई और एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, जैसे मान लो एक और DT ओपन कर देते हैं, एक और टर्म हम यूज करते हैं, लाइक सपोज MT टैग। MT टैग्स क्या होते हैं, अब इसके हम डिस्क्रिप्शन देंगे थ्रू डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो दे आर स्टैंड अलोन टैग्स बिकॉज they don't require a closing tag, now close DD, now suppose if you want to explain another term, DT open कीजिए and then give another term name, जैसे हमने अभी एम्प्टी टैग किया, एक और कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटेनर टैग, DD फॉर द डिस्क्रिप्शन, दैट इज दीज टैग्स रैप अराउंड
टेक्स्ट और ग्राफिक्स एंड दे कम इन अ सेट विद एन ओपनिंग टैग एंड अ क्लोजिंग टैग. Now close DD, that is definition description. अब मान लीजिए आपकी लिस्ट अब खत्म हो गई है तो DL को पहले क्लोज करो, दैट इज डेफिनेशन का क्लोज, पहले इसको क्लोज करो, उसके बाद बॉडी को क्लोज कीजिए एंड देन HTML. ओके, नाउ प्रेस कंट्रोल प्लस एस, सेव योर फाइल वेयर यू वांट. सो आई एम जस्ट गिविंग definition. Suppose I just give dl.html. Save as type, that is all files. Save. Open with Google Chrome. Now here you can see this output. देखिए पहले यहाँ पर देखिए डेफिनेशन लिस्ट आपका डेटा यहाँ पर ऊपर लिखा रहा है एंड देन देखिए DL के बाद हमने फर्स्ट टर्म लिया दैट इज HTML, दैट DT स्टैंड फॉर डेफिनेशन टर्म, ये टर्म है एंड DD स्टैंड फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है. सेम फॉर empty टैग, पहले हमने DT ओपन किया दैट इज डेफिनेशन टर्म empty टैग एंड देन DD दैट इज वी हैव गिवन सम explanation or of empty tag. Same for container tag, एक DT open किया and then DD. And the last में जैसे आपकी list finish हो रहा है, so first close definition list, then close body and then HTML. ठीक है, आप ऐसे ही इसमें देखिए काफ़ी सारी changes कर सकते हो. Like suppose आप जैसे मान लें आप एक heading दे सकते हो H1, like suppose कुछ भी दे सकते हो heading. मान लीजिए जैसे यहाँ पर देखिए आप मान लीजिए मैं लिख सकता हूँ defining the terms. तो H1 मैंने क्लोज कर दिया. Now press control plus S and then see the changes. See, and suppose if I want to make it align in center, so align equal to center, press control plus S and then see the changes. देखिए यहाँ पर हेडिंग जब के सेंटर में आ गई. ठीक है, सेम वे यू कैन गिव दी कलर ऑफ दी बैकग्राउंड BG कलर इक्वल टू लाइक सपोज इन ऑरेंज. ओके, प्रेस कंट्रोल प्रेस एस एंड देन सी दी इफेक्ट. देखिए आप कर सकते हो, तो ऐसे ही आप देखिए कमांड देख देते के आराम से कर सकते हो. ठीक है, सो